वेलकम टू माई चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू रेने फैब 5 5-in-1 लिपस्टिक्स का। इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, दोनों हैं मेरे पास, तो मैंने कहा चलो वीडियो शेयर कर देती हूँ इससे पहले कि एक ख़त्म हो जाए या खो जाए या टूट जाए, वीडियो शेयर कर देती हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी, इसमें आपको ना नॉर्मली जो हम लोग डार्क शेड्स लगाते हैं, पिंक हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, वो मिलते हैं। और सेकंड इसका जो वर्जन है ये है न्यूड लिपस्टिक का। तो अगर आप न्यूड लिपस्टिक लवर हो तो आप इस वाले को ले सकते हो, और अगर आप मेरी तरह रेड पिंक ऑरेंज के शौकीन हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इस तरीके की आउटर पैकेजिंग में ये आपको प्रोडक्ट मिलता है, सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है ये। कुछ चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। शेल्फ लाइफ आपको इसकी पूरे 3 साल की मिलती है। नेट वेट आपको मिलता है 7.5 ग्राम का, मतलब एक लिपस्टिक का नेट वेट आपको मिलता है 1.5 ग्राम, मतलब छोटू छोटू सी मिनी लिपस्टिक होने वाली है ये। क्रीमी फिनिश है, सॉफ्ट है, स्मूथ एप्लीकेशन है इसका, 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन है, मॉइस्चराइज करेगी और एनरिच्ड विद जोजोबा ऑयल। काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है इस पर। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ सारे, ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। इसकी पैकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मैं आपको इसकी पैकिंग दिखाती हूँ ज़रा सा। ये बेसिकली ना वो है जैसे आपको आपका बचपन याद दिला देगी, ये जो बचपन में हम पेंसिल्स यूज़ नहीं करते थे नोक वाली, ऊपर से निकालो नीचे से लगाओ, ऊपर से निकालो नीचे से लगाओ, ये बिल्कुल वैसी ही है। जो शेड आपको यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ दिख रहा है ना, वही उस लिपस्टिक का शेड है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इतनी लिपस्टिक नहीं है, लिपस्टिक ज़रूर सी है, मतलब इतू सी है लिपस्टिक। मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये स्टिकर सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया गया है, लिपस्टिक आपको इतनी ही मिल रही है। आपने इसे कैसे यूज़ करना होता है, जैसे मैंने इसे निकाल दिया है, अब मैं इसे इस तरीके से नीचे से लगाऊंगी और इसे ऊपर की तरफ पुश करूंगी। इस वाले या तो मेरे ही प्रोडक्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी है कि आप देखोगे ना ये लिपस्टिक ऊपर तक नहीं आ रही है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना पड़ता है ताकि एटलीस्ट मैं इसे लगाने लायक मेरी बाहर तो निकल जाए। बट दूसरी वाली में ऐसा नहीं है, दूसरी वाली की मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक ठीक है, इस वाले में थोड़ा सा पंगा है। ये आप देखोगे ना मैंने नीचे से ऊपर की तरफ पुश करी है। क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है 7.5 ग्राम की। कुछ मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ, कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों आपको नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली बात करूँ कि क्यों लेनी चाहिए, आपको 5 लिपस्टिक्स मिलती हैं एक साथ। देखो क्या होता है ट्रैवलिंग वगैरह के टाइम पर, तब इस तरीके की लिपस्टिक्स ना बहुत ज़्यादा काम आती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें आपको ना शेड जो है बिल्कुल 2 पार्ट्स में कर दिए हैं, कि आपको अगर न्यूड लिपस्टिक्स पसंद है, क्योंकि कई लड़कियाँ होती हैं जो न्यूड्स ही लगाना पसंद करती है, तो उन्हें दूसरी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या उनके लिए ये शेड्स जो है ना ये बिल्कुल परफेक्ट होने वाले हैं, तो आप ये वाला ले लो। अगर आप मम्मी हो, पिंक वगैरह ऑरेंज वगैरह लगाना पसंद करती हो, तो आप सीधे इसे ले लो, इसमें एक भी न्यूड आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, गर्ल्स के लिए ये वाला हो गया, बड़ी औरतों के लिए ये वाला हो गया। शेड्स इसके बहुत अच्छे हैं, क्रीमी फिनिश है इसका जैसा कि लिखा हुआ है, तो ये रिमूव भी आसानी से हो जाता है। ये इसकी अच्छी बात भी और ये इसकी बुरी बात भी है। बुरी बात इसलिए कि भैया एक बारी में रिमूव हो जाता है, तो आपको इसे कॉम्पैक्ट से सेट करना पड़ता है। हाँ पिगमेंटेड है ये, 1 स्वाइप में आपको अच्छा खासा कलर दे देती है ये। तो चलो फिर, अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई, दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने आपको, अब मैं आपको इन दोनों के हैंड स्वॉचेस दिखाना शुरू करती हूँ। मुझे पर्सनली ये लिपस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इनके हैंड स्वॉचेस। तो ये आप देख सकते हो इसके शेड्स। मुझे इसका पर्सनली ये जो डार्क वाला वेरिएंट है ना वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं यही वाले शेड्स लगाती हूँ। इसमें आप देख सकते हो इसमें आपको पिंक भी मिल जाता है, डार्क पिंक, रेड, ऑरेंज, और ये देख सकते हो आप इसके शेड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप न्यूड लवर हो तो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना, मेरे नेल्स छोटे हैं, फिर भी मुझे इसे ना इस तरीके से ऊपर करके निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप सोचो जो फेक नेल्स लगाती हैं, जिनके लंबे लंबे नाखून हैं, उनको तो इसे निकालने में बहुत ही ज़्यादा आफत आएगी। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस वाली को आप देखो, इसमें जो लिपस्टिक है ना ये पूरी बाहर है, और मैं आपको दूसरी वाली दिखाती हूँ, ये देखो। जबकि इसको मैंने यूज़ नहीं किया है, शेप देख सकते हो आप, इसको मैंने अभी तक बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, बट ये पैकेजिंग का थोड़ा सा फॉल्ट है, या तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी असली है कि नकली। पता नहीं भैया। तो ये आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस,
इसके शेड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हैं इसके सारे न्यूट शेड्स, बहुत ही प्यारे हैं। वेरिएशन आपको बहुत मिल जाती है इसमें, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। और ये आप देख सकते हो इसके इस वाले के शेड्स डार्क, ये आप देख सकते हो। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इनकी MRP है आई थिंक 599 रुपीज़ इसकी MRP है। मुझे लगता है कि अगर आप वेरिएशन चाहते हो तो आप एक लिपस्टिक में इन्वेस्ट कर सकते हो इस तरीके की में, तो इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हो, बट हाँ थोड़ा सा इसे ना निकालना मुझे थोड़ी सी झंझट लगती है, थोड़ा सा दर्द हो जाता है। और एक चीज़ मैं और सोच रही थी कि अगर इनमें से एक भी लिपस्टिक हमारी गायब हो गई या मतलब खो गई तब हम क्या करेंगे। वहाँ से एक बैग दिख रहा था मतलब अगर मान लो अभी तो मेरे पास पाँचों हैं तो ये लगी हुई है, एक भी लिपस्टिक अगर मेरी मिसप्लेस हो गई तब मैं इसे कैसे लगाऊंगी, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ मुझे लिपस्टिक की क्वालिटी अच्छी लगती है। अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्मज होती हैं, बट हाँ पिगमेंटेशन इसका रह जाता है। कॉम्पैक्ट से सेट करोगे तो बिल्कुल मस्त वाली रहेगी। एक मैंने अभी लगा रखी है ये वाली और मैंने इसे कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया, तो कहीं से कहीं तक ट्रांसफ़र ये नहीं हो रही है, तो कॉम्पैक्ट से सेट कर लोगे तो बिल्कुल सही रहेगी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा नया चैनल है नीमा व्लॉग्स के नाम से, जिसमें मैं व्लॉग शेयर करती हूँ। अपने बर्थडे का भी व्लॉग मैंने शेयर किया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, तो उसे जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है और इन दोनों का लिंक भी मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन का, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो। प्राइस MRP जैसे कि मैंने आपको बताया आई थिंक इसका 599 है, बट ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर अमेज़ॉन पर मिलती रहती है, तो ट्राई ज़रूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।